वेल दोस्तों, आप 2023 में IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, लाइव प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये एक बेस्ट टाइम है जब आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी जो इसके अप्रूवल रेट है ना, बहुत ही ज्यादा हाई है। बहुत सारे यूजर्स का अभी जो है IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो रहे हैं। तो आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं। और साथ ही आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि अगर आपके पास में कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है तब भी आप IDFC फर्स्ट बैंक जो क्रेडिट कार्ड है कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो आखिर तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, आप सभी को और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप चाहो तो IDFC फर्स्ट बैंक के वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं, और इसके अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां पर भी क्लिक करके आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर जितने भी बेनिफिट्स वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन से कार्ड आपको मिल सकते हैं वो भी आप देख सकते हो, और इसे अप्लाई करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन बना हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पर आपने अपना नेम एंटर कर देना है, फुल नेम जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर हम यहाँ पर इसके बेनिफिट की थोड़ी सी बात कर ले तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड में 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिस दिन आपका बर्थडे वगैरह होता है कुछ सिलेक्टेड वेरिएंट पे, और आप इस क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो 40 डेज तक वो बिल्कुल ही आपको फ्री मिलता है, जिसमें आपको थोड़ा सा बस नॉमिनल प्रोसेसिंग फी लगता है, उसके बाद में आपको 48 डेज तक कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है। और IDFC फर्स्ट बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री होते हैं, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और इन क्रेडिट कार्ड से आप ऑफलाइन परचेसिंग करते हो तो उस पर आपको 4x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और आप ऑनलाइन परचेसिंग करते हो तो आपको 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें आपको वेलकम ऑफर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको 15,000 रुपए अगर आप स्पेंड कर लेते हो तो आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाता है। और एक मेन बेनिफिट, इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी दिया जाता है जो कि पूरे 10,00,000 रुपए का दिया जाता है। तो कई सारे बेनिफिट्स के साथ में आपको IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल एंटर करने के बाद में गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको एक OTP रिसीव हुआ, OTP को यहाँ पर एंटर करके इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। So, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, जहां पर हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर कर देना है, और पिन कोड एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको यहां पर अपना ऑक्यूपेशन एंटर कर देना है, यानी आप कौन सा काम करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, आप जो भी हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने कंपनी नेम एंटर कर देना है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो भी बिजनेस वगैरह है, शॉप है, तो आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। नेट मंथली इनकम आपकी कितनी हो जाती है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। ऑलरेडी हैव एन क्रेडिट कार्ड, आपके पास में अगर क्रेडिट कार्ड है पहले से कोई तो वो आप यहाँ पर इसको राइट की तरफ कर दीजिएगा, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं इसको राइट की तरफ कर दूंगा और यहाँ पर बैंक नेम एंटर कर दूंगा, यानी जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास मैं वो एंटर कर दूंगा, कार्ड वेरियंट यहाँ पर एंटर कर दूंगा, कार्ड की जो लिमिट है वो मैं यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा। तो जैसे मैंने डिटेल लेयर का सबमिट किया उसके बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट बाउ क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है जो कि हमें 100% फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा। इसका ज्वाइनिंग और एनुअल फीस कुछ भी नहीं है, फॉरेक्स रिवॉर्ड पॉइंट्स हम ले सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट फीस जो है 0 है। तो अगर हमें यहाँ पर वाउ क्रेडिट कार्ड लेना है तो हम यहाँ गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अगर आपको IDFC फर्स्ट बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप ये वाला क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। ये जो क्रेडिट कार्ड है मिनिमम हम 2000 की FD पर ले सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देना है, कोई क्रेडिट स्कोर वगैरह की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जो है कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, तो मुझे जो है एक FD क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपको ऑफर मिलता है, आपको जरूरत है, तो आप जो है इस तरह का एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं।